हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेकपुर इन्फो। टेकपुर इन्फो पर एक मोस्ट डिमांडिंग वीडियो लेके मैं आ रहा हूँ, जिसका टाइटल आप देख रहे होंगे, थंबनेल में आपको दिख रहा होगा। इसका कॉलेज का नाम है भाई परमानंद। यहाँ पर MCA में एडमिशन कैसे होता है, इस कॉलेज का सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। भाई परमानंद कॉलेज कैसा है, यहाँ पर आपको एडमिशन लेने पर क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगी, इस कॉलेज की रैंकिंग क्या है और यहाँ की फीस स्ट्रक्चर क्या है, कितना फीस आपको MCA के लिए पेमेंट करना पड़ता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कैंपस एरिया के बारे में डिस्कस करने वाले, कैंपस कितना बड़ा है, उसके अलावा यहाँ पर एडमिशन आप कैसे लेंगे, क्या प्रोसेस है, उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको प्लेसमेंट कैसे मिलेगा, उस चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा कि बहुत बच्चों का विभाग में ये होता है जब एडमिशन लेते हैं कि हाईएस्ट पैकेज कितना जा रहा है, लोएस्ट पैकेज कितना जा रहा है इस कॉलेज का, उस चीज़ को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। क्योंकि एंड तक बने रहिएगा जिससे वीडियो की डिटेलिंग आपको पता लग सके। इस वीडियो के एंड में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ कि आप कोई प्राइवेट कॉलेज चूज करें या भाई परमानंद एक गवर्नमेंट कॉलेज है इसको चूज करें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बहुत से बच्चों का ये डाउट होता है कि किस चीज़ को चूज करें, भाई परमानंद को या प्राइवेट कॉलेज को, तो उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा विथ पॉइंट्स विथ लॉजिक्स। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करें कॉलेज के बारे में, तो कॉलेज का पूरा नाम जो है भाई परमानंद इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस स्टडीज, जो कि 1986 में एस्टेब्लिश हुआ था। यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के प्रोग्राम चलते हैं, जैसे कि BBA, BOC, MOP, MCA एंड MBA जैसे प्रोग्राम यहाँ पर चलाए जाते हैं। एंड इसका जो लोकेशन है वो सिकरपुर पड़ता है, सिकरपुर जो कि लक्ष्मी नगर नई दिल्ली में पड़ता है। और यहाँ पर जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो आपको लक्ष्मी नगर नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ेगा, और लक्ष्मी नगर बस स्टॉप भी पड़ेगा आपको नियर बाय में लगभग। फैसिलिटीज की बात करें तो यहाँ पर आपको एक लाइब्रेरी की फैसिलिटी भी मिल जाती है, अमूमन हर कॉलेज में होता है। यहाँ पर आपको ऑडिटोरियम मिल जाएगा, सेमिनार हॉल मिल जाता है जहाँ पर सेमिनार आयोजित किए जाते हैं, लैब की फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आपको हॉस्टल फैसिलिटी और बैंक फैसिलिटी नहीं मिलने वाली है इस कॉलेज के कैंपस में। कैंटीन की फैसिलिटी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। अगर आप घूमने टहलने के या शॉपिंग करने के शौकीन है तो नियर बाय में आपको V3S मॉल मिल जाता है, यहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर एक निगेटिव चीज़ ये भी है कि आपको कोई जिम की फैसिलिटी इन कैंपस नहीं मिलने वाली है। वैसे आप दिल्ली में रह रहे हैं तो आपको जिम की फैसिलिटी लक्ष्मीनगर में बहुत सारे मिल जाएंगे। बात करें फीस की, तो फीस जो है यहाँ पर है वो 40,000 रुपये टोटल फीस यहाँ पर का है पूरे ईयर का। फीस के मामले में पूरे IP यूनिवर्सिटी में सबसे कम फीस भाई परमानंद का है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि अगर आप एक गवर्नमेंट कॉलेज लेते हैं उसके बाद भी फीस कम नहीं होती है बहुत सी जगह, लेकिन यहाँ पर 40,000 फीस है। तो जिन बच्चों की फीस की प्रॉब्लम है वो आराम से एडमिशन ले सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। फीस जो होता है वो चेंज भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, लेकिन अभी तो जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है वो 40,000 रुपये ही है। एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पर नोट करके दिखाया है कि फी डोंट मैटर एट द एंड ऑफ कोर्स। आप कोई कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में फीस आपको बहुत ही अधिक लगता है, कम लगता है, ज़्यादा जो भी लगता है, लेकिन जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो फीस मैटर ज़्यादा नहीं करता। आप सोचते हैं वहाँ से निकलने के बाद आप क्या अचीव कर रहे हैं, उस चीज़ पे आपका फोकस रहता है। ये हर एक बच्चे के अंदर होता है। तो आप फीस पे ज़्यादा फोकस ना करके वहाँ की फैसिलिटीज़ के बारे में फोकस करेंगे तो आपको अच्छा से अच्छा कॉलेज मिल पाएगा। बात करते हैं प्लेसमेंट की, तो यहाँ पर प्लेसमेंट जो है आपको कंपनियाँ यहाँ पर दिख रही होंगी कि कौन कौन सी कंपनियाँ यहाँ पर आई थी, जैसे कि डैफोडिल हो गया, NIIT टेक्नोलॉजी यहाँ पर आई हुई थी जो कि दो बच्चों के लिए गई थी। ये सारा डेटा जो मैं आपको शो करवा रहा हूँ, ये सारा डेटा आपको दिख रहा होगा, जो कि प्रीवियस ईयर में यहाँ पर कॉलेज में कंपनियाँ कुछ आई थी जो कि बच्चों को ले गई हैं। कुछ कंपनियाँ इसमें ऑन कैंपस भी है, कुछ कंपनियाँ ऑफ कैंपस है, मतलब ये है टोटल बच्चे इतने प्लेसमेंट लिए थे प्रीवियस ईयर में। प्लेसमेंट में अगर कंपनियों की बात करें तो हर साल लगभग 10 से 12 कंपनी कॉलेज के कैंपस में आती है और बच्चों को ले जाती है यहाँ से। जो पैकेज ऑफर करती है मिनिमम 2 लाख पर NM के हिसाब से होता है, और जो हाईएस्ट पैकेज यहाँ का जाता है वो 6 से 8 लाख पर NM के हिसाब से लगभग पर ईयर जाता है हाईएस्ट पैकेज। प्लेसमेंट परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पर 40% आपको प्लेसमेंट परसेंटेज मिल जाता है। आप बात करते हैं जो कि आपको मैंने स्टार्टिंग में वीडियो को बताया था कि गवर्नमेंट कॉलेज लें या कोई प्राइवेट कॉलेज लें, इसमें हम कौन सा चूज करें, क्योंकि भाई परमानंद कंप्लीटली गवर्नमेंट कॉलेज है, तो क्या इसको चूज करें या कोई प्राइवेट चूज करें। तो मैं ओवरऑल बात करता हूँ, यहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन स्लाइटली गुड कर सकते हैं। यहाँ पर पढ़ाई के मामले में ये ज़्यादा अच्छा नहीं है, आप जा रहे हैं तो पढ़ाई के लिए ही जा रहे हैं, तो
पढ़ाई के मामले में बहुत अच्छा ये नहीं है। अगर यहाँ की फैकल्टी की बात करें तो फैकल्टी जो है यहाँ पर जो मार्क्स देती है एग्जाम में, आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में, वो इस बिहाव पे देती है कि आप कितना उनसे अटैच्ड हैं। तो एक निगेटिव पॉइंट ये भी है। सेकंड चीज ये है कि अटेंडेंस का बहुत ज़्यादा यहाँ पर इशू नहीं होता है। अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेकर कोई चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं, MCA सिर्फ डिग्री के लिए कर रहे हैं, तो आप बिना डाउट के एडमिशन यहाँ ले सकते हैं, क्योंकि फीस आपका बहुत कम है और आपको IP यूनिवर्सिटी से डिग्री मिल जाएगा, और एक साथ में कि आपका जो कॉलेज है वो गवर्नमेंटेड है, तो कोई इशू नहीं है, आप बिल्कुल ले सकते हैं यहाँ पर अटेंडेंस का कोई। टीचिंग फैकल्टी मैंने बता दी आपको बहुत अच्छा यहाँ पर टीचिंग फैकल्टी नहीं है, और कैंपस एरिया आपको 7 एकड़ का मिल जाता है यहाँ पर लगभग, तो कैंपस बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जो भी है ठीक है, गवर्नमेंटेड कॉलेज आपको है और फीस आपको 40,000 देना ही है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ की हैं जो कि आपको प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज से यहाँ पर डिफरेंट करती है। मैंने आपको यहाँ के प्रोज एंड कॉन्स बता दिए, डिसीजन आपके हाथ में। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं मेरे से, और साथ में भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टेकपुर इन्फो, कीप सपोर्टिंग टेकपुर इन्फो।